बेसिक मैथ्स टेस्ट में पुनः स्वागत है। एमटीटी में बहुत सारे कंसेप्ट बेस क्वेश्चंस इसमें दिए जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इंजॉय के साथ मैथमेटिक्स की समझ बढ़ेगी और इस क्विज का आनंद लेंगे। इसमें कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन भी मैं कर रहा हूँ। अंत में मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा और कुछ बीच में भी करूँगा, क्योंकि शुरू से अंतिम तक अगर वीडियो को नहीं देखते हैं तो फायदा नहीं होने वाला है। जो वीडियो को देखते हैं वो संपूर्ण देखें और सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और चैप्टर्स को शामिल कर दिया गया है, जो समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में बहुत आसानी से आने लगेगा। इसमें हमने ये टीचिंग चैनल चलाए हुए हैं, इसमें इस टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और इससे फायदा ये होगा जो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप किसी भी समय कमेंट्स कर सकते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें और संपूर्ण वीडियो को देखें, तब ही बात बन सकती है। अन्यथा एक खोल लेने के बाद तुरंत अगर खिसक जाते हैं तो इससे समझ में नहीं आएगा। और दूसरे वीडियो को भी जो इसमें लोड हैं उनको भी देखें। इस चैनल का नाम है मनीष टीचिंग ट्यूटोरियल्स। अब हम शुरू करते हैं। ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत ही हल्का है और कंसेप्ट पर आधारित है। ये पहला प्रश्न है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसमें बी डी दिया हुआ है। बी डी दिया हुआ है 2√2 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी, तो इसमें हमको बी सी निकालना है, अर्थात इस स्क्वायर के साइड्स को निकालना है। और इसमें हमें लगता है जो एक मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो बोल सकते हैं, आप कमेंट्स में आंसर जरूर लिखें और अंत में मैं इसका जवाब दूंगा। अब प्रश्न संख्या 2 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ये सर्किल है, इस सर्किल में ये चोर्ड है ए बी, और इससे सेंटर पर ये एंगल बन रहा है और ये एंगल यहाँ सी पर बन रहा है, जो एंगल सी 30 डिग्री है। तो एंगल ओ को बताना है जो कितना होगा। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा एंगल होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये प्रश्न संख्या 3 जो है, इसमें ये सर्किल है, इस सर्किल में ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये वो सेंटर है जिसमें ए बी जिसमें ए बी हमको निकालना है, अर्थात ए बी नहीं, यहाँ हम रेडियस मांगा जा रहा है जो कि ए बी हो जाता है डायमीटर, जिसमें दिया हुआ है ए सी 4 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ज्ञात करना है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, नन। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ए बी का ये डी मिड पॉइंट है और ए सी का मिड पॉइंट ए है, जिसमें ए डी इक्वल टू बी डी और ए इक्वल टू सी है। बी सी अगर 20 सेंटीमीटर है तो डी ई का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसके ये आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें कौन सा आंसर होगा। ए डी इक्वल टू बी डी और ए इक्वल टू सी और बी सी 20 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं
कंसेप्ट भी इस पांचवें प्रश्न पर, ये पांचवा प्रश्न है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, इस रोम्बस में ए सी 12 सेंटीमीटर है, अर्थात ए सी 12 सेंटीमीटर है और बी डी 8 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है फाइंड ए बी बी सी सी डी और ए डी का लेंथ ज्ञात करना है, और इसके ऑप्शंस ये दिए गए हैं। हमें लगता है ये पांच प्रश्न है, इस पांचों प्रश्न को आप देखें और बहुत ही आसान है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं तो आंसर देना नहीं चाह रहा था, लेकिन पुनः मैं सोच रहा हूँ जो एक एक कर बता दूँ जो कितना आसान प्रश्न है, और आप जो कमेंट्स में लिखे हैं उससे ज़रूर मिलाएं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जितने हम कंसेप्ट बनवाएंगे वो समझ में आते जाएगा, स्किलनेक्स बढ़ेगा, आपका कौशल बढ़ेगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या एक पर। प्रश्न संख्या एक देखें, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है, इस स्थिति में ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और ये दोनों इक्वल है, तो इस स्थिति में पैथागोरस थ्योरम से हम इसका मान निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, इसके बाद जो है और ये हो जाएगा कितना बी सी स्क्वायर, तो उस स्थिति में हम ये बी सी का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 2 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 4 8, 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2, तो ये आंसर हो जाएगा 2, 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2√2, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या दो पर, जिसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें देखिए, किसी भी चोर्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण दोगुना होता है सर्किल के किसी अन्य भाग पर उसी चोर्ड द्वारा बनाए गए कोण का। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण 60 डिग्री होगा, अर्थात इसका आंसर 2 होगा। अब हम आते हैं, ये थ्योरम है, अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान है और इन सब चीज़ों को जानना चाहिए और मेमोरी में भी रहना चाहिए, इसके उपरांत इसको प्रूफ करने का भी नॉलेज होना चाहिए, स्किलनेस होना चाहिए। ये सर्किल है, इस सर्किल में ये डायमीटर है, लेकिन ये अर्धवृत्त का कोण समकोण है, इस थ्योरम पर आधारित है। ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का कोण क्या होता है, कहीं बनता है वो राइट एंगल होता है। कोई भी सेमी सर्किल बनेगा और कहीं भी उसका ये होगा तो ये राइट एंगल होगा, मतलब अर्थात हमने थ्योरम पढ़ा अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, तो ये जो समकोण होते हैं तो ये हाइपोटेनस हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस स्थिति में हम इसका मान निकाल सकते हैं, 3 3 9 4 4 16 9 25 का अंडर रूट 5 हो गया, तो ये ए भी होगा 5 और रेडियस मांगा जा रहा है तो 5 का आधा अर्थात 2.5 होगा, इसमें नहीं है तो ये नन इसका आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये ट्रायंगल है और ये दोनों साइड्स की मिड पॉइंट है, तो ये थ्योरम है, अगर इसी ट्रायंगल के किसी भी भुजा का मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो तीसरा भुजा का समानांतर और आधा होता है, अर्थात ये बी सी 20 सेंटीमीटर है तो ये डी 10 सेंटीमीटर होगा, अर्थात इसका आंसर ये 3 नंबर
हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पर। देखिए कितने कितना आसान प्रश्न है। रोम्बस, रोम्बस को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। रोम्बस का चारुभुज, हिंदी में सम चतुर्भुज कहते हैं, सम मतलब बराबर, जिसका चारुभुजा बराबर हो, लेकिन उसके साथ कंडीशन है जो स्क्वायर में भी चारुभुजा बराबर, लेकिन इसके जो हैं ये डायगोनल, ये समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये बराबर इसका हो जाएगा और ये बराबर इसका हो जाएगा। रोम्बस को समझ ले और इसके बाद तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अर्थात ये राइट एंगल बन जाएगा। ये जब समविभाजित कर रहा है तो एक ये ए सी 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो जाएगा, और ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 4। तो 6 और 4 इसका हम ये तब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इस स्थिति में हम मान निकाल लेंगे 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, ये 6 और 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 6 6 के 36 कर चुके 16, तो ये हो गया 6 6 12 2 हासिल 1 1 3 4 5 मतलब 52। अर्थात ये ए सी जो हो जाएगा इसका 52 का अंडर रूट हो जाएगा, 13 गुना 4 का अंडर रूट कर चुके 52, अर्थात 2 अंडर रूट 13। तो ये इसका मान हो गया, या तो अंडर रूट 52 या 2 रूट 13। तो सभी भुजा इसके बराबर होते हैं तो सभी इक्वल होगा। इसमें अगर आप ऑप्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन के लिए ऐसा कर दिया गया है जो आप पता नहीं चलेगा। यहाँ देखिए अंडर रूट 13 होना चाहिए, 2 अंडर रूट 13 होना चाहिए, यहाँ 2 अंडर रूट 13 है, अंडर रूट 56 है, इस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्टर इसका आंसर नन होगा। कंसेप्ट सबसे जरूरी है और थ्योरम का रिवीजन भी होना चाहिए। एक क्विक बनाने वाले सवाल थे जो हम देखते और इसके आंसर को तुरंत लिखते। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच फॉर योर स्किलनेस। थैंक्स।